मैं सोच रहा हूँ भाई ये वाला जो क्रोम है ना ये अपनी नैन पे 200 लाइक का एम रखते हैं। 200 तो कराई दे। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और ये मैं अबे बंद कर रहा हूँ इसको, ये ठीक करने लग गया मैं अंदर से सामान। आहा भाई होता तो है, अंदर बैठ के कर रहे थे, थोड़ा फर्क पता तो चल रहा है। ये चलो जी नैनो को लेके चलते हैं अपनी। और आज है संडे, तो संडे हो या मंडे बोल जैसे आ रहा हूँ। भाई साहब गाड़ी ली थी धूप से बचने के लिए, वो गाड़ी में बैठ के ही उबल रहे हैं हम लोग अभी, ऐसा सीन हो गया है। तो एसी में ना ठीक कराने का थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है मुझे अभी। रितेश कल की फ्लाइट है उसकी, परसों की सुबह, कल रात को उसको छोड़ने सी ऑफ करने जाएंगे अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाना। ठीक है, कल देख रहे हो तो वाह भाई वाह। चलो तो फिर अभी कल का भी जुगाड़ करने है, कैसे जाएंगे क्या जाएंगे, क्योंकि नैनो में तो सामान आ नहीं पाएगा। बात ये हो गई अपने पास, गाड़ी होते हुए भी अभी परेशानी है। अगर इसके ऊपर कैरियर लगवा देता मैं अभी तक, तो कैरियर से फिर चले जाते हम लोग कैरियर लगवा के, लेकिन स्टिल अभी क्या करें, अभी जो है सो है, उससे काम चलाना पड़ेगा। देखो भाई अभी अभी गाड़ी के एसी में तीन काम है, क्योंकि तीन काम जो है करने हैं अपने को ठीक करने के लिए। इसको फर्स्ट जो है इसका जो कंडेंसर है फैन, वो ढंग से चल नहीं रहा है, तो WD-40 मार के देखना, जैसे कि अपने सब अपने सब्सक्राइबर ने बताया था भाई ने, दिल्ली वाले ने। और सेकंड जो है इसका एसी जो है, एसी की बेल्ट आवाज़ कर रही है, एसी ऑन करते हैं तो एसी की बेल्ट जो है आवाज़ करने लगती है। दूसरा उसके अंदर WD-40 मार के देखेंगे, अगर हो जाती है तो ठीक, नहीं तो फिर उसको चेंज करना पड़ेगा, वो भी कुछ 200-300-400 रुपये की आएगी, तो वो करना पड़ेगा। और थर्ड जो है इसकी जो गैस, वो रिफिल करानी पड़ेगी। मुझे लगता नहीं कोई कूलिंग कॉइल वगैरह का कोई इशू है, बस गैस रिफिल कराएंगे तो शायद हो जाना चाहिए, बस स्टिल चेक करेंगे पहले ये चीज़ें करके। अगर नहीं हुआ तो फिर क्या है, फिर तो कोई ऑप्शन नहीं बचता, एक बार वो भी देख लेंगे इसका प्रेशर स्विच, तो वो भी चेक करवा लेंगे, अगर वो अगर ख़राब हुआ तो प्रेशर स्विच भी चेंज करवा देंगे। तो ये सब जो काम है वो होंगे अभी ये वीक में, अगर हो पाया तो। बाकी तो ठीक है, तुम लोग व्यूज़ नहीं दे रहे हो यार, या 2-3 महीने पे हम लोग 1000-2000 के व्यूज़ के रेशो में घूम रहे हैं, तो थोड़ा यार अभी बढ़ाओ यार इसको, कमेंट करो प्यार से, शेयर करो सबको, है ना, सब्सक्राइब कर लो और लाइक एम जो है डबते भाई कंप्लीट करो। इस पे 200 लाइक का एम रखते हैं, 200 तो करा ही देते हो यार, 100-150 तो तुम यार पोस्ट पे ही करा देते हो, तो इस पे 200 लाइक तो करा ही सकते हो, देख रहे हो तो लाइक तो कर ही देना। ठीक है, देखने से वीडियो ओपन करते ही लाइक कर दिया करो, इंस्टाग्राम पे टैग कर दिया करो कि भाई लाइक कर दिया है। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी है अपना @worldofshop_@worldofshop। अरे यार क्या है, चलो इधर आ रहा होगा, नीचे अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा आईडी मिल जाएगा मेरा। ठीक है, वो हीरो बन रहा था, देखो दोनों हाथ छोड़ के इधर कॉर्नर पर गाड़ी चला रहा था, चौराहे पर बाइक, विंडशील्ड फिल गंदी हो गई, इसको साफ भी करना, कपड़ा भी मैं घर पर छोड़ के आ गया। वैसे अपनी नैनो में आ जाना सही सामान यार, एक बैग आगे आ जाएगा, एक बैग पीछे आ जाएगा, और एक छोटा बैग है, चार लोग आराम से बैठ भी सकते हैं। जिस हिसाब से मैं दिमाग लगा रहा हूँ उस हिसाब से अगर हो गया तो अपनी नैनो में भी सामान आ सकता है। वो घड़ी अपनी दूसरी नैनो, और इसका भी काम ऑलमोस्ट अभी कम्प्लीट हो ही जाएगा, तो यहाँ पर भी रोड बन जाएंगी। चलो जी, इतनी गर्मी में बाहर निकलना मतलब कह रहा सुसाइड करना है भाई सही में, और ऊपर से मेरी गाड़ी में एसी नहीं चल रहा, और आज है ना दूसरी की भी एक जगह वीडियो बनाने जाना है, तो इसी वजह से ना चलो निकलते हैं अभी। आज वैसे भी संडे है, तो आज ये ज़्यादा देर खुली रखेंगे नहीं गाड़ी, मतलब दुकान, बट वी कैन डू समथिंग, है ना। चलो जी मैं सोच रहा हूँ भाई ये वाला जो क्रोम है ना ये अपनी नैनो में भी लगवा देते हैं, अच्छा लगता है ये एक्चुअली, और कलर बहुत सही लग रहा है। ऐसा सोच रहा है कि अभी कलर कराने की सोच रहा हूँ, भाई से कोटेशन लिया था, उन्होंने कलर का सही प्राइस बताया है डेंटिंग के साथ, तो करवाएंगे। ये देखो भाई गर्मी में हम लोग है ना ये दही खा रहे हैं, प्लस जलजीरा मिक्स करके इसके अंदर खाएंगे, जलजीरे का सही इस्तेमाल है। हेलो, बढ़िया है ना, बाहर इतनी गर्मी है यार, 40 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, और ऊपर से गर्म गर्म हवाएं चल रही हैं, बाहर निकलते ऐसा लगता है उबल जाएंगे अभी, बट दही खाते हैं मज़ा आ जाएगा, अलग ही सीन चल रहा है। भाई गौतम भाई जा रहे हैं बाल कटाने, और मेरे को बोला नहीं, मैं सोच रहा कि मैं भी चले जाता हूँ। ये देखो क्या हो गया, ये क्या आ गया, हाँ मुझे लगा यहाँ पर कुछ आ गया, बट वो अभी वापस उनको बुलाया, मैं मेरे को भी लेके चलो, मुझे ये जो बाल उन्होंने ये भुगता है ना उसने मेरे को, तो वो ठीक कराने, मेरे को छोटे छोटे कराने हैं।
तो वो करवा लेता हूँ अभी आ गए, बाल वाल कटवाने जाता हूँ मैं अभी। तेज धूप है भाई, सामने है ना जमीन पे है ना, जमीन से ऐसा लग रहा है आईना हो गया जमीन, इतनी तेज धूप पड़ के आंखों में लगती है ना बहुत ज्यादा। इन्होंने बाल कटवा लिए, मेरे बाल नहीं कट पाए क्योंकि इन्हें भाई गाड़ी की डिलीवरी देने थे, इसके लिए जल्दी जल्दी आ गए। तो ये काम यहाँ पूरा हो गया, कुत्तों ने छाप भी डाल दी इसके अंदर। कसम भाई चढ़ जाओ जरा, आपके पैरों के निशान आ जाएंगे। ओके यार, बिना चप्पल के आप घूम रहे थे ना। अच्छा, ये भी ज्यादा ही रोश मारने लगे, इनको बताना पड़ेगा। देख लो भाई आपके पैर तो शेर जैसे छोटा शेर। तो ये बिल्डिंग बन गई और ये देखो क्या मस्त बनाया यार, अलग अलग चीजें और एकदम पूरा अमेरिका बना दिया इसको, लंदन बना दिया दूसरा है। गौतम भाई लंदन ही है। देखो इन्होंने बाल कटवाए, मेरे बाल कटने का टाइम ही नहीं दिया इन्होंने, बोलते हैं जल्दी जल्दी कस्टमर आ गया जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, कुछ करने ही नहीं दिया।